हेलो एवरीबॉडी, हाउ डू यू डू? वेरी गुड. आई एम राजेश, इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर. दिस इज़ क्लास 10th हिस्ट्री, चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इन द लास्ट पार्ट 11 वी डिस्कस्ड अबाउट सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड नेशनल यूनिटी, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस. इन दिस पार्ट 12, डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस. The topic is, what did liberal nationalism stand for? Dear students, liberal nationalism stand for. So liberal nationalism means the feeling of nationality among the people who believe in freedom. So liberal nationalism, Swatantratavadi ya Swatantratavadi Rashtravadi Bhavna. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Ideas of national unity, राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे in early 19th century Europe, यूरोप के शुरुआत के 19th century में राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे were closely allied to the ideology of liberalism. Ideology, विचारधारा, the way of thinking, liberalism, belief in freedom, social unity, liberalism, स्वतंत्रतावाद, ideology, विचारधारा, were closely allied to the ideology of liberalism. ये जो national unity के जो विचार थे, ये किससे बहुत ही करीबी तौर पर किससे जुड़े हुए थे, संगठित थे, associated थे? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, स्वतंत्रतावादी विचारधारा से. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर, मीनिंग फ्री. ये जो लिबरलिज्म का जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये कहाँ से निकल के आता है? फ्रॉम लैटिन रूट. इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसका जड़ कहाँ है? इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? उत्पत्ति कहाँ से होती है? लैटिन से. तो ये एक लैटिन वर्ड है, लिबर. और इस लिबर का मीनिंग है फ्री. लिबर मीन्स फ्री, दैट्स वाई लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. लिबर मीन्स फ्री एंड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, ये जो नए मध्यम वर्ग थे, इनके लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर. इनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, और कानून की निगाह में, बिफोर लॉ, कानून की निगाह में, कानून के सामने सभी लोग समान थे. पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट. पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर, इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट. इट एम्फेसाइज मीन्स लिबरलिज्म एम्फेसाइज. स्वतंत्रतावाद ने ये दबाव डाला, ये सुझाव दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, सरकार की एक अभिधारणा. कॉन्सेप्ट, अभिधारणा. कॉन्सेप्ट मीन्स अ थिंकिंग, अ डिज़ाइन, अ रोड मैप. एक अभिधारणा सरकार की बाई कंसेंट, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से. सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस. सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस. ये जो लिबरलिज्म है, इसका क्या मतलब होता चला आ रहा है, या क्या मतलब होता था? द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का अंत, एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस. ये जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस जो सौभाग्य लोगों को मिले थे, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जो सौभाग्य मिले थे, लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, इसका अंत था. लिबरलिज्म का ये मतलब था. अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान होता था इसमें, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट, संसद भवन के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती थी.
एक ऐसी प्रतिनिधिक गवर्नमेंट, एक सरकार पार्लियामेंट के थ्रू, संसद भवन के थ्रू होती थी, किसमें, लिबरलिज्म में। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इंडिविजुअलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड, ये जो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे, जो सोशल लोग थे, लिबरल लोग थे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रेस्ड किया, एम्फेसाइज किया, प्रेशराइज किया, दबाव डाला, किस पे, द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इस पे दबाव डाला कि इसको इनवायबल किया जाए, यानी इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के सिस्टम को बंद किया जाए, अब सारी चीज़ों को गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स फॉर एवरीबॉडी, फॉर ऑल द सिटीजन इक्वली एंड सिमिलरली। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। येट, फिर भी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये जो कानून में, कानून के सामने जो एक समानता की बात थी कि सभी एक समान हैं, ये डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब ये नहीं था, ये निश्चित रूप से इसका मतलब यही नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस वर्ड सफरेज, सफरेज मीन्स अ लीगल राइट, गारंटीड टू द वीमेन इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब ये नहीं था कि सबके लिए ये यूनिवर्सल सफरेज हो गया, यानी कि ये राइट, ये अधिकार सबको ही दिए गए हैं, इसका मतलब कानून के सामने एक होने का ये मतलब नहीं था। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, आप इसको फ्रांस की रेवोल्यूशन में रिकॉल करेंगे, फिर से याद करेंगे, विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, विच मार्क्ड, जिसने कि अपने आप को निशान बनाया था, चिन्हित किया था, द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, ये जो स्वतंत्र प्रजातंत्र में ये जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था, पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था, इसके जो चिन्हित किया था, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड, वोट देने का अधिकार एंड चुने जाने का अधिकार, टू गेट इलेक्टेड, चुना जाना, वोट देने का अधिकार एंड चुने जाने का अधिकार, वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, ये विशेष रूप से, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एक्सक्लूसिवली स्पेशली, तो विशेष रूप से वोट देने का अधिकार एंड चुने जाने का अधिकार किसको था, ऐसे मैन, ऐसे लोग, ऐसे पुरुष जो प्रॉपर्टी ओनिंग थे, जिनके पास संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति के मालिक होते थे, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, ऐसे मैन, ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, संपत्ति नहीं थी, एंड ऑल वीमेन, और सभी औरतें, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, ये लोग राजनीतिक अधिकार से इनको बाहर कर दिया गया था, इनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल्स इन्जॉय सफरेज, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, एक थोड़े समय के लिए, एक संक्षिप्त समय के लिए, अंडर द जैकोबिन्स, जैकोबिन्स के अंतर्गत डिड ऑल अडल्ट मेल्स, ये जो सारे अडल्ट मेल्स थे, यानी मेल्स थे और अडल्ट थे, मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज उनकी थी, इन्जॉय सफरेज, इनको ही सफरेज ये इन्जॉय करते थे, इसका आनंद लेते थे, सफरेज, आई टोल्ड यू, अ लीगल राइट गिवन टू इधर वीमेन और इन दी 15th सेंचुरी गिवन टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये जो सफरेज को इन्जॉय करते थे, ये अडल्ट मेल्स करते थे। हाउएवर द नेपोलियोनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वीमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर, फिर भी द नेपोलियोनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज,
ये जो नेपोलियनिक कोड की बात हमने किया था लास्ट पैराग्राफ्स में, लास्ट पार्ट्स में, पार्ट 7, 8, 9 में, वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। तो नेपोलियनिक कोड कहाँ गया? ये लिमिटेड सफरेज को चला गया कि सफरेज तो है लेकिन लिमिटेड है, सीमित है। एंड रिड्यूस्ड वीमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर, और औरतों को कैसा स्टेटस दिया, इनको कैसी छवि मिली, स्टेटस छवि, रेप्यूटेशन, इमेज, कैसी इमेज मिली एक माइनर की, कि वीमेन किस कैटेगरी में आएंगी, माइनर में, कि अभी ये माइनर हैं। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, अगर इन वीमेन के पास, सब्जेक्ट टू मीन्स ऑन द कंडीशन ऑफ, ऑन द कंडीशन ऑफ, इस शर्त पे कि इन इन वीमेन के पास या तो इनके पिता हैं, फादर्स हैं, या तो इनके हस्बैंड्स हैं, थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, पूरी 19वीं शताब्दी एंड 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, शुरुआत में, वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स, वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन, वीमेन औरतें और ऐसे मेन, ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थे, संपत्ति नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सुसंगठित किया, संगठन बनाया था अपोजिशन मूवमेंट्स, एक विरोध करने का, एक मूवमेंट चलाने का, डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और इनकी मांग क्या थी? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि समान राजनीतिक अधिकार सबको मिलने चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, सो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो लिबरलिज्म का क्या मतलब था अगर हम आर्थिक स्थिति में बात करें तो, आर्थिक स्थिति में अगर बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब था कि ये जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन थे गुड्स एंड कैपिटल, वस्तुओं के और पूंजी के, कैपिटल के मूवमेंट पे, यहाँ वहाँ एक्सचेंजेस पे, आदान प्रदान पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो अंकुश लगाए गए थे, और ये किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा जो अंकुश लगाए गए थे, इनको क्या करना था, लिबरलिज्म का ये मतलब था कि इन अंकुशों पे अबॉलिशन, इनको नष्ट करना। अबॉलिशन, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन, अबॉलिशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, नष्ट करना, इनको नष्ट करना ही लिबरलिज्म का मतलब था इकोनॉमिक टर्म्स में, अर्थव्यवस्था के टर्म्स में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के दौरान दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, ये बहुत बड़े पैमाने पर ये मांग थी, किसकी, ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, ये जो मध्यम वर्ग उभर के सामने आ रहा था, निकल के सामने आ रहा था, इनकी डिमांड थी, मांग थी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, किनका, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का, ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्रों का जहाँ की जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, भाषा बोली जाती थी, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, कब बोली जाती थी, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, इट मीन्स फ्रॉम 1901 टू 1950, ये जर्मन लैंग्वेज जहाँ जहाँ बोली जाती थी। चलिए इनका एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज द एंड ऑफ योर पार्ट 12 ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, Part 13 and 14. Till the time, keep loving literature and SST. Have a great day. Bye-bye.